तुमसे इतना कहा हो कि 50 रुपए दे दो बच्चों की दवा मांगी है, कभी तुमसे 500 रुपए लेकर के बच्चों के कपड़ों का इंतजाम किया हो या इंतजाम किया हो, तो खड़े होते पूरे मजमे में कोई बता दे कि इन्होंने बच्चों के लिए 500 रुपए लिए थे, अपनी औलाद के लिए 100 रुपए मांगे थे। खुदा की कसम ये गैरतार कौम है, फाके से तो मर सकती है, अपने लिए नहीं मांग सकती है, जब भी मांगती है या तो कुरान के लिए मांगती है या कुरान वालों के लिए मांगती है। इस इदारे के गुलामों को, मुआविनीन को, आपको एक दिन में इतनी खुशी होगी कि 5 मिनट पर दराज नहीं हो रहा है। इन इदारे वालों से पूछो कितनी मेहनत करके तुम्हारे बच्चों को आगे बनाया, इतने आसानी से आपने 5 रुपए का हार लाल चल दिए, हो गई मोहब्बत, 100 रुपए खाए, हो गया लाल मोहब्बत का पूरा। कभी मदरसे के नाम से पूछो, जब मदरसे के बच्चों के खाने के इंतजाम में कमी आती है, इनसे पूछो ये रात को सोते कैसे हैं। जब रात को अल्लाह पर होता है, तब इनसे पूछो ये नींद कैसे आती है। हमने सिर्फ एक हार अदा कर दिया, हमने मोहब्बत का हक अदा कर दिया, हम जानते क्या है कुरान कैसे पढ़ा जाता है। हजारों साल तक अपनी बेटी भी फिर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चलाने के लिए हवा करता, बड़ी मेहनतों के बाद ये बच्चे को एकाए किया होती है, बड़ी कोशिशों के बाद फिर कुरान के कायों के सूरत सीने में उतरा करती है, दुनिया चैन से सो जाया करती है। ये बहुत पर बहुत पर मरतबा एक आयत को रटा करते हैं, जरा चूक जाती है कुरान पढ़ते पढ़ते, सीने थक जाते हैं, लेकिन खुदा की कसम इन हाफिजों की हिम्मतें नहीं थका करती, हाँ इनकी हिम्मतें नहीं थका करती। और ये उलमा की नूरानी जमात है कि मदरसे वाले आज जो बैठ लिए बैठे हैं, इनसे पूछो कभी अपने लिए हाथ फैलाया हो इन्होंने तुम्हारे आगे, कभी अपने लिए तुमसे सवाल किया हो, कभी तुमसे इतना कहा हो कि 50 रुपए दे दो बच्चों की दवा मांगी है, कभी तुमसे 500 रुपए लेकर के बच्चों के कपड़ों का इंतजाम किया हो या इंतजाम किया हो, तो खड़े होते पूरे मजमे में कोई बता दे कि इन्होंने बच्चों के लिए 500 रुपए लिए थे, अपनी औलाद के लिए 100 रुपए मांगे थे। खुदा की कसम ये गैरतार कौम है, फाके से तो मर सकती है, अपने लिए नहीं मांग सकती है, जब भी मांगती है या तो कुरान के लिए मांगती है या कुरान वालों के लिए मांगती है। चंदा हो तो देर से इतनी मजमे में इतना मैं भरा, मैं पूछ रहा था इतने बड़े सवाल के बाद आज की हमारी जरूरत है पूरी नहीं, मना लगाने के लिए कल के छत्तर इंच के हैं क्या? हम गरीब हैं जिन्होंने दीन के लिए औलाद दी थी, हम गरीब हैं जिन्होंने दीन के लिए अपना घर छोड़ा था, और सारी तो से 10 रुपए जेब से नहीं करते दीन के लिए करते हैं, खा कर क्या है तमाशा बना के रख दिया इस्लाम का, मसला बना के रख दिया। तो उनसे पूछो जिन्होंने बच्चों की कुर्बानी दीन के लिए हंसते हंसते दी थी, हाँ तो भी आप इस बात पर मदरसे के लिए चाहिए कि कहते हैं इनका तो कुरान चंदे करने का,
अगर नाजी में भरा सा ये कहते हैं कि साहब हमसे कार्यक्रम तैयार हुआ है तो बंदा पता क्या कह रहा है कि तर्जमा है तो इसी में पढ़ाई कर लो, खर्चे बढ़ाने की जरूरत क्या। एक बात और फिर कर आप करके बताओ, तुम्हारे पास एक मकान का ऐसा है दूसरा मकान शुरू करते हो, मौलाना साहब कहते हो दुआ करना दूसरे मकान की बुनियाद रखती है। कभी मौलवी ने कहा कि एक था दूसरा क्यों बना रहा है बताइए। कभी इन्होंने तुम्हारे मकान को देख के अपनी आंख टेढ़ी और तुमने कहा कुरान वाले भेज दो, इन्होंने तुरंत वाले भेज दिए। तेरे घर में बैठ के ये कुरान पढ़ते रहे, तेरे हाथ में घूम करके ये दुआ पढ़ते रहे। कभी इन्होंने तेरे मकान से इनकार कर दिया तो पता नहीं साहब का यही तकाजा था। अगर तेरे मकान के लिए इन्होंने दुआ की थी तो फिर मुस्तफा के घर के लिए तुझे दुआ करनी चाहिए, नबी के घर के लिए तुझे कोशिश करनी चाहिए। कितनी आसानी से कह दिया करते हो कि चंदा करना तो इनका पेशा है, पैसा नहीं है, ये तरीका मदीने वाले मुस्तफा का है। तो पैसे की बात करते हो, अगर जरूरत पड़ेगी हंसते हंसते दीन के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। उठाओ तारीख इस्लाम की, वो भी तो एक दिन था मेरे नबी ने कहा था सहाबा इस्लाम को खून की जरूरत है, जनाबत की जवानी की जरूरत है। जब हजरत बिलाल ने ऐलान किया था खुदा की कसम आधी रात को मदीने की गली में जब ये सलाम ऊंची थी तो माए उठ के बैठ गई थी, बच्चों के चेहरे धुलाए, माँ ने कहा बेटे मुस्तफा ने बुलाया है, बहनों ने भाइयों को बेदार किया तो मुस्तफा ने बुलाया है। और किसी ने ये नहीं कहा था कि जिंदगी कीमती है, सबने यही कहा था मुस्तफा का फरमान कीमती है, आका की सदा कीमती है, हमें जान प्यारी नहीं है, अगर प्यारा है तो मुस्तफा का फरमान। मुझे बता तो सही तीन तीन तरह की सब्जी खाने वालों क्या हम मदरसे के लिए एक दिन का भाड़ा नहीं कर सकते। क्या तुमने दुनिया नहीं देखी आज हर बंदे के हाथ में इतना बड़ा मोबाइल है, हर बंदे के हाथ में सारे लोग सोशल मीडिया से जुड़े, कौन सा तमाशा तेरे मेरे साथ नहीं हुआ बताइए। अगर इलेक्शन की सलाह होती है कोई रोकने वाला नहीं, मदरसे में 10 बच्चे कुरान पढ़ने बैठ जाए तो करोड़ों आ जाता। बताओ मुझे इनकी चाल को कब समझोगे, इनके जो ये खुफिया तदबीर है मदरसे बंद करने की इन पे कब गौर करोगे। गवर्नमेंट तुम्हारे मदरसों को कितना देती है, क्या जरूरतें पूरी हो गई। मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह भला करे उन भाइयों का जिनके घर में कुरान पढ़ने वाले नाश्ता किया गया, अल्लाह सलामत रखे उन जियाल को जो अपने घर में कुरान वालों को खाना खिलाते। हाँ मदरसे को देते ईद आ गया तेरे बच्चों पे 2-3 हज़ार खर्च हो जाते हैं, तब तुझे प्रोग्राम दिखाई नहीं देता। असल बात क्या है ना, हम कंजूस हैं अपने लिए नहीं दूसरों के लिए, कंजूस है हम लेकिन अपने लिए नहीं। आज मुझे जरूरत पड़ जाए 50,000 का मोबाइल के लिए, लेकिन कल दरवाजे पे जरूरतमंद आ जाए कहते नहीं आप 8 दिन के बाद। ये हमारी कड़वी सच्चाई है, हम धोखे में जी रहे हैं धोखे में, कब तक अपने आप को धोखा दो। हुजूर के सलाम के कुरान सुन, तूने दीन के लिए दिया क्या है, उन्हें तेरा बेटा दीन के लिए लगा, उन्हें तेरा खून दीन के लिए गया, वो कभी तेरा तो मेरे पानी दीन के लिए ना पंगा गया। खुदा की कसम पेट से पत्थर मारना तो बड़ी बात है, अगर कोई गाली होते तो कहता नहीं मुझे तुम्हारे साथ लगता नहीं करना। क्यों नहीं करेगा भाई, ये लोग बुरा भला कहते हैं, मैं गुजारिश करूंगा चंदा करने वालों का भी हिम्मत बना लाऊंगा। ये मुखालिफ करते रहते हैं जवान के लिए आप हो गए, लेकिन जिनके पास जवान नहीं थे ना तो माफ किया।
नाश हुआ। तो कहने लगी मालिक अगर आज मेरे पास जवान होता है मेरे घर ले देती। हाजी हजरत है हमारे पास, हाजी तमन्ना है हमारे पास, या वो भी की तरह आप पांच महीने से रहेंगे तो ना जाए हम तो वो करना से रहना है इनके घर से पास से ले के ले के रहे मेरे घर तो रोज तो रोज बन रहा है। ये इस्लाम है, अगर ये समझते हो ये इस्लाम है तो थोड़े ना हो और खुदा की कसम अगर आप मार कर मारोगे तो कोई बचाने वाला मुश्किल नहीं होगा। हाँ कोई भी बचाने वाला मुश्किल नहीं होगा। मदरसों के हालात आप जाकर देखो, मैं आपको मदरसे में मैंने ठहरा, मैंने देखा, मैंने चढ़ाई की, मैंने किस तरह देखा, अल्लाह तौफीक देना तो आगे बढ़ कर माँ बाप के साथ सवाब के लिए कुरान के पढ़ने वालों के लिए किस तरह का इंतजाम करो, इनके बैठने की जगह का इंतजाम करो। आप कहो कि सलाम की रहमत नाजिल है मदरसा, नाजिल में आला ये देखेंगे, नाजिल में तलाब रखना देखे मार देंगे, कितने काम एक आदमी करेगा, लेकिन हम हिम्मत करें कि कभी भी काम होंगे ना आसान नहीं सर। तो हमें कोशिश करना चाहिए आगे बढ़ने, अल्लाह को कमेंट कर रहा था जिनके पास बेटे थे उन्हें मोटे जवान दे दिए, जिनके पास शोहर थे उन्हें शोहर दे दिए, फिर हमारे सी भी थी जिसके पास बेटा नहीं था उठी आम में आंसू थी तो कहने लगी अल्लाह शोहर तो पहले शहीद हो गया आज मेरा जवान बेटा भी नहीं। हुजूर ने जवान मांगे कलाम से जवान अभी हमारी सोच रही थी कि कलाम से रोने की आवाज आ गई, मुड़ के देखा तो छह महीने का बेटा वाले में बेटा था अल्लाह मुखर मादोड़ी और उसी छह महीने के लाल तो उसी छह महीने के बेटे का इलाज महमूद ला बेटे के वालों ने कंधा किया माँ ने सुरमा लगाया दूधा बनाया बेटे को और माँ ने मंत्रा के नाचल से छुटाया वहाँ पहुंची तो हम मेरे हुजूर बैठे हुए थे अल्लाह वो अपने हुजूर की खिदमत में गई दो में आंचल में बेटा छुटा है मेरे नबी ने फरमाया था तू तू किस लिए आई है मैंने तो मदों को बुलाया था खातों की आँख में आंसू आते जो कि कहने लगी या रसूल अल्लाह आपने जवानों की जवानी मांगी तेरे पास की जवान बेटा नहीं है शोहर था पहले जन्म में शहीद हो चुका है आपने मेरे शोहर की आखिरी कमाई मेरी जिंदगी का सहारा ये मेरा चाचा का बेटा है इसे लेकर के आई हूँ खातों क्यों आई है का हुजूर जी के पास जवान थे उन्होंने जवान दे दिए तेरे पास जवान का बेटा कैसे दे के आ गई हूँ तेरे हुजूर ने बच्चे को देखा नबूवत वाली आंखों में आंसू आ गए फरमाने लगे खातून बता तो सही तेरा बेटा जल्द में किस काम आएगा तीर ये नहीं चला सकता तलवार ये नहीं चला सकता सखियों की पट्टी ये नहीं कर सकता प्यासों को पानी ये नहीं पिला सकता पता जल्द में किस काम आएगा जब इतनी बात मेरे नबी ने कही है खातून रो के कहती है या रसूल अल्लाह मैं जानती हूँ मेरा चेहरा का बेटा ना तलवार चला सकता है ना तीर चला सकता है ना ढाल संभाल सकता है ना सर्दियों की पट्टी कर सकता है ना प्यासों को पानी पिला सकता है ना शहीदों को उठा के ला सकता है ना फिर बता तो सकी तेरा बेटा किस काम आएगा। तो खातून ने कहा था या रसूल अल्लाह जब तुम्हें तलवारें चलेंगी हाँ चलेंगी तीरों की बारिश भी होगी कहा हाँ होगी का आका वो तीर आपकी तरफ भी आएंगे का जी आएंगे। तो खातून ने कहा था या रसूल अल्लाह जो तीर आपकी तरफ आ जाए वो तीरों को संभालने के लिए जब ढाले कम पड़ जाए तब मेरे जवान के बेटे को अपने सामने कर देना मेरा बेटा तीर मार तो नहीं सकता लेकिन सीने पे तीर खा तो सकता है या रसूल अल्लाह अगर मेरे बेटे ने तो तीर भी संभाल लिए मैं जानती हूँ मर जाएगा जिंदा नहीं बचेगा लेकिन आका ये भी कहती हूँ अगर ये मर गया तो फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए के इसके जैसे तो हजारों आ सकते तेरे जैसा कयामत तक कोई नहीं आ सकता। हाँ वो भी हाथ नहीं आए तो खाते बुराई भी करते जाएंगे इतना पड़ा
नाश्ता किया, फिर कानी में गोश्त नहीं डाला। ये बकवास है, लेकिन ये कुरान के कारियों का सीना जब तक मजाक कुरान ना सुना चाहे तो ये रुके के ना रफरमाया चाहते कि नहीं, कहने लगे या अल्लाह इनाम किस बात का था, तुमने मेरा कुरान सीने में उतारा है। कहेंगे मालिक सिर्फ इसमें हम शामिल हैं, इसमें कोई तो शामिल है जिन्होंने हमें एक वक्त का अपना ना किया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कोई तो शामिल है जिन्होंने आज की रात को उठ के कुरान चलाया था, मालिक अकेले नहीं चला रहा था, उसी की रात है جب آپ ایمان لائے خاندان والوں کو پتا چلا کہ غریب نہیں تھے حضرت عثمان غنی، ہاں مکان گھرانے سے نہیں تھے، بڑے باپ کے بڑے بیٹے تھے عثمان غنی، امیروں کی بڑی جماعت، بڑے امیروں کی جماعت کا نام آتا تھا عثمان غنی کا، حضور کا کرم پڑ گیا جیسی کرم پڑا خاندان والے دشمن ہو گئے، آپ کو کہا گیا کہ آپ ہی چھوڑ فرمانے لگے، کیوں چھوڑ کہہ رہے ہیں جھوٹے فرمانے لگے، خدا کی قسم جس منہ سے مجھے بتایا گیا وہ منہ کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں کرتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ جھوٹی نہیں بولتے، فرمانے لگے وہ نے کہا چھوڑ دی کہا ہے تو جانتے ہو کیا کیا کی طرح نہ ہو ان کے ساتھ، آپ کو چکرائی میں لگایا گیا، چکرائی میں لپیٹ کر کے نیچے سے دھواں لگایا گیا، آپ کو سانس لینے میں دقت ہوتی تھی، لیکن خدا کی قسم انہیں جان دینا تو گوارا تھا، ایمان دینا گوارا نہیں، تمہارا کیا تھا دین پہ کچھ بھی تو نہیں، اس بات پر ناراض ہو گئے، تین دن جلسہ بھی نہیں کیا، آج تین جلسہ بھی نہیں کیا، وہ بندے ایک رات بیٹھ کے سن، لیکن مزے کے لیے نہیں، خدا موڈ بنانے کے لیے سنو گے تو منٹوں میں محنت ضائع ہو جائے گی، لیکن ہاں ہم نے میرے میں ہزار ہزار لٹا دیے، آج تک مدرسے کے بغل اس کی طرف آ باقی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، تو سنا کرو تو پھر بیٹھ کے ادب سے سنا کرو، ذرا ذرا اللہ کا ناراض ہو جاتی ہے حضرت عثمان ہے اللہ اور رسول کے دام میں آ گئے، ایک دن میرے رسول نے کر کے کھڑے فرمانے لگے دین کو دولت کی ضرورت ہے کوئی جو دین کی رہی دولت ہے، پوری مسجد میں سناٹا، مسجد نبوی میں سناٹا، حضرت عثمان علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہہ رہے ہیں حضور سو عثمان دے رہا ہے، کتنے کتنے سو، ان سے مانگے نہیں پوچھے ہیں کتنے کتنے، ہندی آتی ہے نا تھوڑی بہت، کتنے سو، میرے حضور نے فرمایا عثمان بیٹھ گیا، پھر حضرت عثمان بیٹھ کے حضور نے فرمایا اے کوئی جو ہوتے پھر مسجد کے لئے آگا سب خاموش، حضرت عثمان علی پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور سو اور عثمان کی تلاش ہے، حضور نے فرمایا عثمان بیٹھ گیا، پھر تیسرے میں بڑا آقا نے کہا ہے کچھ اور دین کے لیے دے، حضرت عثمان علی پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور سو پھر عثمان کی تلاش ہے، یہ سو نہیں تھے آج کے دور کے سوٹلر سمجھئے، ہاں سوٹلر نہ سمجھئے آج کے دور کے لیے، وہ جو سو اونٹ تھے، فرمان لگے ہے کوئی، حضرت عثمان علی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ سو اونٹ، آپ کریم فرماتے ہیں عثمان کب تک دیتے رہو گے، کہنے لگے یا رسول اللہ جب تک آپ کی زبان کھلتی رہے گی عثمان دیتا رہے گا، آپ کی بولی خالی چلی جائے عثمان کو کمانا نہیں ہو سکتا ہے، یہ حضور کے چہیتے سے آتی ہیں، اور انہوں نے حضور کو کیا کہنا دیا، خدا کی قسم زندگی حضور کے نام پر دی، آپ بندے بتا تو سبھی سے اپنے آپ کے بارے میں کہوں سر، اپنے پریوار میں جھانک کے دیکھ کر تیرا لباس مصطفیٰ جیسا ہے کہ نہیں، تیرا چہرہ مصطفیٰ جیسا ہے کہ نہیں، تیری گفتگو مصطفیٰ جیسی ہے کہ نہیں، تیرا انداز مصطفیٰ جیسا ہے کہ نہیں، تو کھاتا ہے تو کس کے طریقے پہ کھاتا ہے، تو پیتا ہے تو کس
کے طریقے سے پیتا ہے. وہ خدا کی قسم دعوے کے ساتھ کہتا ہوں صحابہ کی وہ زندگی تھی کہ ایک لمحہ بھی حضور کو نظروں سے اوجھل ہونا وہ قرار نہیں کرتے تھے. آج ہم ہیں کہ ایک منٹ ان کے طریقے کو دیکھنا قرار نہیں کرتے اور کہتے جنت ہمارے باپ کی ہے. یہ جنت نہیں ملا کرتی. جنت چاہتے ہو زندگی حضور کے نام کر دو, حضور جنت تمہارے نام کر ڈالے. اپنے جیتے جی حضور کے دین کے لیے خرچ کر جاؤ, جیتے جی دین کے لیے خرچ کر جاؤ. اللہ اکبر, اگر تمہارے نے کیا کرا دیا. اللہ اکبر, آج دو گھر ہے ہمارے پاس. کوئی گھر ایسا ہے جس میں کھاتا ہو رہا ہو؟ آج بتائیے, ہے کوئی گھر ایسا جس میں تین دن سے کھانا نہ ملا ہو؟ کوئی بندہ ایسا ہے جس نے مجبوری میں کھانا کھایا کہ اسے تین دن سے گھر میں روٹی نہ ملی؟ پیسے کا دور ہے, بندے کے پاس ہے, کوئی ایسا نہیں جس کے پاس نہ ہو. فرق کسی کے پاس آتا کسی کے پاس ہے, سب کے پاس ہے. لیکن اس کو ایک دن حضرت عثمان تجارت سے واپس آئے, جب تشریف لائے مسجد نبوی میں حضور کے بیچ میں نماز پڑھی. سنے میری بات ذرا, مسجد نبوی میں حضور کے بیچ میں نماز پڑھی, میرے چہرے میرے حضور کا چہرہ اترا. حضرت عثمان علی نے حضور کا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو فرمانے لگے, بلال کیا بات ہے, حضور کا چہرہ تو بڑا سا نظر آ رہا ہے. جب اتنی بات حضرت بلال نے کہیں سنی نا, کہنے لگے اس کا پتہ حضور کے گھر سے لگے گا, جاؤ ام المؤمنین کے پاس جاؤ, حضور کے گھر میں جا کے اس بات کا پتہ کریں. حضرت عثمان علی آئے, آنے کے بعد پڑھتے کے رات کھڑے ہوئے, کہنے لگے ام المؤمنین جی عثمان چیز لکھ رہے آپ نے روشن دیا, کھانے کا سامان دیا, تمہارے درخت چلنے لگے, خادم کہنے لگا حضور میں ہوا. اس وقت آپ کے دروازے پر سینکڑوں غلام تھے تو حضرت عثمان علی سے کہنے لگا خادم حضور مجھے دیجیے, یہ بوجھ نہ لے کے چلو. فرمانے لگے نہیں, یہ میرے حضور کا حصہ ہے, تو نہیں عثمان ہوتا کے لے کے جائے. تمہارے درخت تھا حضور کے گھر آئے اور فرما کے رات میں بیان کیا اور لکھی میرے کھلانے کے بعد آپ اپنے ہاتھ سے سونے رات چلائی, اپنے ہاتھ سے آپ نے آٹا کودا, کھانا تیار کیا. تو جب کھانا تیار ہو گیا اس کے بعد مسجد نبی میں گئے تو حضور میرے ساتھ چلے, میرے نبی نے عثمان کا چہرہ دیکھا, اپنے خلی کا چہرہ دیکھا, اٹھ کے پیچھے پیچھے جیسے چلے حضرت عثمان پیچھے حضور آگے. کدھر چلنا حضور؟ اپنے گھر چلے. میرے حضور آئے کیا دیکھتے ہیں, حضور کے راشا ہے, اقدس کا دسترخوان بچھا ہے, اس پہ کھانا لگا ہے. میرے حضور کھانے کے لیے بیٹھے, حضرت عثمان اپنی شام میں بیٹھے ہیں. جیسے بیٹھے ہیں حضور نے پہلا لقمہ توڑا, منہ کے اندر پہلا لقمہ ہے اور نبوت والی آنکھیں برس نظر جاتی ہیں. حضور لقمہ چباتے جاتے روتے جاتے, اللہ اکبر, یہ آنسو حضرت عثمان غنی سے نہ دیکھے گئے, اٹھے گھر کی طرف چلے گئے. جب عثمان غنی گئے ہیں, میرے نبی نے صرف ایک لقمہ کھایا اور اس کے بعد نبوت والے ہاتھ اٹھائے, آنکھ میں آنسو ہے, لب کانپ رہے ہیں, حضور کا دل رنجیدہ ہے, چہرہ آنسو سے تر ہے, ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں, تو بھی عثمان سے راضی ہو جا. اگر آپ چاہتے ہو کہ مصطفیٰ بھی راضی ہو, خدا بھی راضی ہو, تو نبی کو تو نہیں کھلا سکتے, لیکن نبی کے گھر میں پڑھنے والے ان قرآن کے قاریوں کو کھانا تو ضرور کھلایا جا سکتا. بیٹے ٹھیک ہی روٹیاں کھا رہے, مجھے سماج میں دے دیں,
मक्खन और रोटी को तरस के देते हैं। चला कि जिंदगी है हमारी, इसका नाम सदावत रखा हमने, नहीं सदावत इसका नाम है भाई। फरमाया गया सही अल्लाह को वही अल्लाह का शुक्र है हमारी सदावत है। हम तो अपनी जेब का खर्च करेंगे, अपनी सलाह का खर्च करेंगे, दूसरों के लिए अल्लाह से तिजारत किया करो। हम ये जो अल्लाह चाहते हैं तो उससे तिजारत करो। फिर देखो अल्लाह कितनी बरकत देता है, कितनी बरकत देता है, सिर्फ एक वही तारीख के चले जाओ। फरमाया है अपनी बात में कबर बंदा गुनाहगार हो, पापी हो, खाती हो, लेकिन सखावत फितरत में है, अल्लाह ने करम से बख्शिश फरमाई। किसी ने शैतान से पूछा था अल्लाह ने कहा तुझे सबसे ज्यादा प्यारा कौन लगता है, तो शैतान ने कहा मुझे सबसे प्यारा बखील आबिद लगता है। हाँ तो रात की इबादत करता लेकिन फितरत में कंजूसी हो, और बाप मुझे सबसे बुरा कौन लगता, उसने लगा बाप मुझे सबसे बुरा जो है सही लगता। उसने पूछा इसकी वजह कहा कि बखील इबादत गुजारी है मगर अल्लाह उसकी इबादत पसंदी है। फरमाया सही है तबीयत में उसकी गुनाह, उसकी तबीयत में सखावत है, फरमाते हैं अल्लाह को गहरा होता है। अल्लाह ने अपने गुनाह में बयान फरमाया कि वो अल्लाह को गहरा होता है, तबीयत में सखावत है, फितरत में आप खर्च करने आ गए आप तो खर्च ही नहीं करते, हम तो 20 रुपये की चेक लगा बैठे कर मसाला कहाँ से खाएंगे, 20 रुपये देंगे पान कहाँ से देंगे, वहाँ के लिए हमें 20 रुपये दवा दे भाई। जो तुमने पान पे खर्च किए, मैंने सफर पे खर्च किए वो गया, लेकिन हमने जो वर्षे के लिए लगा दिए वो गया ही बल्कि बाकी रखना चला जाता है, बाकी रखना जाता है, वो महफूज रहता है, मरने के बाद अल्लाह उसको आज तुम देगा। हाँ हालात अच्छे करो, खर्च करने की जगह करो, रोजा की जगह किया करो, एक बराबरी के शरीर में आसानी होगी। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला के 100 ऊंट माल की जगह कर आ रहे थे, कितने ऊंट फिर बोले कितने, याद तो हो गए ना कितने, सौ ऊंट आ रहे थे। लोगों ने कहा फरमान आप सखी हैं, मेरे आपके पास ऐसे दो नबी जब के लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं, सौ ऊंट आ गए यार, ऐसे करो वहां बेच दो, तिजारत की मौका आ गए कि हमें बेच दो। आप फरमाने लगे कितना माल दो, उन्होंने कहा एक ही माल, फरमाने लगे नहीं बेचूंगा, दूसरा तिजारत के आया मुझे बेच दो तब तू कितना नाप देगा, उसने कहा दो गुना, आपने फरमाया नहीं बेचूंगा, आप पढ़ते पढ़ते पांच गुना कर कि मैं आपको पांच गुना कर दूंगा इसका, आप कह रहे थे कि मैं उसे बेचूंगा या उसे दूंगा जो मुझे दस गुना देगा, जो मुझे दस गुना देगा। लोग कह रहे थे ऐसा कौन है जो मुझे दस गुना दे दे। सुबह तक उठा के हजरत उस्मान ने नहीं किया, आपने 100 ऊंटों का माल उठाया, 100 ऊंटों का माल, 100 कंटेनरों का माल समझिए आज की जोर का, हाँ 100 ऊंटों का माल उठाया, और उतारने के बाद का जवाब दीने में आराम कर दो, जिसे भी जरूरत है उस माल का दरवाजा खुला है, अपनी जरूरत से ज्यादा भर के लेके चला है। ये थी हुजूर के गुलाम की सखावत, दरवाजा खुला है, लोग आके भर के लेके जाते, तिजारत ही आ गए, कह रहे थे उस माल को मैंने ये कहा था उसे लोगे जो दस्तुमा देगा, कह रहे थे उस माल को भी खाने का सोचा नहीं करता, उस माल को भी खाने का सोचा नहीं करता, तो आप कहना क्या चाहते हो, तो बात ये तो पांच गुना दे रहे थे और रब ने दस गुना देने का वादा किया, रब ने दस गुना देने का वादा किया। हमारा ईमान इतना मजबूत है, अल्लाह पे इतना मजबूत अकीदा है हमारा, डर लगता है ये दस चले गए पांच की तरह से, सो ये दिए तो बुलाए गए मकान भी दे सकता है,
7000 दे सकता है, इससे बेहतर जगह क्या होगी लुटाने के लिए। आज बंदे सोचा करते हैं मरने के बाद बेटा हिजरा करा देगा, मरने के बाद वो 40 लाख करा देगा, लेकिन सोच रहे 40 लाख करा के देख लिया कर कितनी तरह बैठी हुई है तकते कर गए। आज कोई मिट्टी डालने वाला नहीं है, लोग अपनों की कब्रों पर जाते हैं, ताजा कब्रों पर हाथ उठा के दुआ करके आ जाते हैं। कितनी 50 साल की ऐसी पुरानी कब्रें होंगी जो उस तरह मिट्टी डालने वाला भी नहीं है। तुझे क्या लगता है तेरे मरने के बाद लोग तेरा मजाक बनाएंगे या तेरे बाप साहब पूछते तेरी कब्र पर आती रहेगी। नहीं, कोई कब्र पर आने वाला नहीं क्या है, ये दुनिया बड़ी बेवफा है, कोई तुझे याद रख के रोने वाला नहीं है। बहुत रोएंगे तो 40 दिन तक रोएंगे, और तेरी याद आएगी तो बरसी तक आएगी। उसके बाप को तुझे याद करने वाला नहीं होगा, उसके बाप को आंसू बहाने वाला नहीं होगा। आओ करने के बाद तेरे पीछे के बाद हाथ धो के बैठ जाते हैं। 40 मिनट के बाद को याद करने वाला नहीं होता, मुझे पता तो सही तेरे हाथ में कलम बाप की मेहनत से आया है, तेरी जबान में ताकत माँ के लुकों से आई है, तेरे कदमों में चलने की हिम्मत माँ के दूध से आई है। परसों गुजर गए माँ को कब्रिस्तान गए हुए, पता कितनी बार उसकी कब्र पे गया है। परसों बीत गए बाप को दफन हुए, पता तो सही कितनी बार उसकी कब्र पे दुआ करने गया है। हजार महीने बीत जाते हैं, हम तो कब्रिस्तान की तरफ रुख नहीं करते। अगर याद है तो हमें दुकान का रास्ता याद है, अगर याद है तो बिजनेस के तरीके याद है, अगर याद है तो फायदे के तरीके याद है, अगर याद नहीं तो माँ की कब्र का रास्ता याद नहीं, अगर याद नहीं तो बाप की कब्र का पता याद नहीं। हाँ प्यारे, ये दुनिया बड़ी बेवफा है, तेरे जाने के बाद कोई तेरा साथ देने नहीं आएगा। आज अपने जीते जी अपने हाथों से काम कर जाओ। कितने लोग तो ऐसे हैं कि मरने के बाद उनके नाम की पेटियां रखी गई, उनके नाम लंगर चलाए गए, 40 दिन में बस्ती को खाना खिलाया गया, लेकिन एक बात मुझे बता दूं क्या है, अगर अपनी आखिरत का इंतजाम करना है तो सुन, मरने से पहले एक दिन मदरसे का चक्कर लगा लिया कर, महीने में एक मरतबा मदरसे में आया कर, कभी इन कुरान पढ़ने वालों को देखिए कहां बैठ के पढ़ रहे हैं। अगर बैठने की जगह पर फटा हुआ बोरिया पड़ा है तो उसको देख उसका इंतजाम कर दे। अगर ये कुरान पढ़ने वाले गर्मी में बैठ कर कुरान पढ़ रहे हैं तो माँ बाप के सारे सवाब के लिए एक पंखे का इंतजाम कर दे। अगर ये गर्म पानी या ज्यादा सादा पानी पी रहे हैं तो तेरे बच्चे तो एसी का ठंडे हवाओं में रहे, और कूलर फ्रिज का पानी पिए या कुरान पढ़ने वाले इनके लिए ताजा पानी का मैसर नहीं होगा। तेरे बेटे एसी में सोया करते हैं, इनके लिए हाथ वाले पंखे तक मैसर नहीं है। अगर आखिरत का इंतजाम करना चाहते हो तो कभी मदरसे में आया करो, हजरत का हाथ पकड़ो, चक्कर लगाओ तलबा की तरफ। अगर कोई गर्मी में बैठ के कुरान पढ़ रहा है तो वहां पर पंखे का इंतजाम कर दो, अगर बच्चे को प्यास लगी है तो पानी का इंतजाम कर दो, अगर कोई गरीब तालिब इल्म है पहनने के कपड़े नहीं है तो उसके लिए कपड़ों का इंतजाम कर दो, अगर किसी के पास फटी किताब है तो उसके लिए नई किताब का इंतजाम कर दो। दावे के साथ कहता हूँ खुदा की कसम, अगर तेरी मेहनत के दिए पैसे से इनके सर के ऊपर पंखा लग गया जबकि नीचे बैठ के कुरान पढ़ेंगे, गर्मी से पसीना आएगा, उधर पंखे का राउंड घूमेगा, हवा का झोंका हाफिज के सीने पे आएगा, ठंडी हवा हाफिज को लगेगी, पसीना सर्द होगा, सीना तसल्ली पाएगा। अगर तू कब्रिस्तान में होगा कोई दुआ करे ना करे, इधर पंखे की हवा आएगी, उधर कब्र में खुदा जन्नत की हवाओं का इंतजार कर रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हरमा साहब क़िबला, मुफ्ती हरमा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आखिरत का इंतजाम कर लो, कुरान पढ़ने वालों की खिदमत कर लो, नसीब वाले हैं जो माँ बाप जिनके बेटे हाफिज बन गए, मुकद्दर वाली है वो बहने जिनके भाइयों के सर पे आज ये तकमील है जिसे कुरान का ताज रखा गया। हाँ, आज उस बाप की मेहनत रंग ले आई जिस मेहनत पूरी को गवा रखा, बेटे को कुरान से जुड़ा करना गवा रखा। हाँ, Gracias.
Thank you.
खूबसूरती भाई ने 500 रुपए सुहा लगा और लाके 500 रुपए हलाल की औकात क्या है, हमारे माँ बाप ने कितनी बार हम पे लाख खर्च किए होंगे, हम सोच भी नहीं सकते। मदरसे का चक्कर लगा लिया करो, उसके घर की सड़कों पर पूरी तरह तुम्हारा काम है,
तुम्हारी जरूरतें पूरी करना अली वाले मुस्तफा का था, हुजूर का काम है, तेरे काम अपनी जिम्मेदारी को कराए और कुरान की तालीम में बड़ा चढ़ करके हिस्सा है, एक दूसरे की हिम्मत अफजाई करें, दुनिया में तालीम लगी है हम दुनिया को बता दें तुमने पाबंदी कुरान पर लगाई, हमने इस साल हमारे मदरसे ने 12-13 कुरान को कारी अदा कर दिए हैं, हाफिज कुरान अदा कर दिए हैं, ये हाफिज 12 नहीं बल्कि ये 12 इदारे दे दिए हैं, ये जहां बैठे थे उसी जगह पे 12 इल्म के चश्मे फूटेंगे, उसी जगह पे इल्म का दरिया बहेगा, और जिसने इनकी पढ़ाई में 1 रुपया भी खर्च किया है इंशाल्लाह कयामत के दिन अल्लाह उसको उसका अता जरूर फरमाएगा। तो काम करने का देगा मदरसे का ख्याल करें, इन नबी का अंदर अल्लाह ने सलाम और अल्लाह के नबी पसंदी का दीन मुहम्मद सलाम है, मजहब इस्लाम की फिक्र और उसके उसूल और उसके कानून को अपनाए, बेटियों को पर्दे की तरक्की करें, बेटियों को पर्दे में लाए और उनको उस तरह जाकर रहमत के बताए उसूल पर चलने की सख्ती करें ताकि कल हमारे दीन पर भी कोई ना उठाए। बस भाई जितनी बातें हुई है, हाँ ₹500 मुलाकात होगी सच्चाई के साथ जोर से पढ़े। السلام عليكم ورحمة الله.